तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वकैब एनालिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वकैब पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करना और ये जो वुकैब सेशंस है ये बैंक एस एस सी रेलवे यू पी एस सी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे कैप शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो हमारा सबसे पहला वर्ड है डिफर डिफर का मतलब होता है टालना या फिर स्थगित करना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है सिनोनिम इसका होता है पोस्टपोन या फिर पुट ऑफ यानी कि किसी चीज़ को टाल देना या फिर स्थगित कर देना एग्जाम्पल इसका है द यूनिवर्सिटी डिफोर द फाइनल एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी ने फाइनल एग्जाम पोस्टपोन कर दी इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिसाइड ओवर प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है कार्य प्रभारी किसी बैठक या कार्यक्रम में प्रभारी होना या फिर उसका नेतृत्व करना उसे हम कहेंगे प्रिसाइड ओवर और ये एक फ्रेजल वर्ब है सिनेम इसका होता है बी इन चार्ज ऑफ या फिर सुपरवाइज यानी कि प्रभारी या फिर अध्यक्षता एग्जाम्पल इसका है द जज प्रिसाइडेड ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि न्यायाधीश ने अदालती कार्यवाही की अध्यक्षता की इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिसाइड ओवर इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद अगला वर्ड है क्यू क्यू का मतलब होता है संकेत कोई काम करने का संकेत देना उसे हम कहेंगे क्यू ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिनेिम इसका होता है सिग्नल या फिर इंडिकेशन यानी कि संकेत मिलना एग्जाम्पल इसका है The alarm clock ringing in the morning is a cue for many people to wake up. यानी कि सुबह अलार्म घड़ी का बजना ये कई लोगों के लिए जागने का संकेत है इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्यू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद अगला वर्ड है लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब होता है संपत्ति और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिनानिम इसका होता है एसेट्स यानी कि संपत्ति एग्जाम्पल इसका है द कंपनी हैज़ गुड लिक्विडिटी यानी कि कंपनी के पास अच्छी संपत्ति है इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिक्विडिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है तो हमारा अगला वर्ड है प्रॉप प्रॉप का मतलब होता है सहारा किसी चीज़ से सहारा मिलना उसे हम कहेंगे प्रॉप ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिनानिम इसका होता है सपोर्ट यानी कि सहारा देना एग्ज़ाम्पल इसका है द एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर सर्व एज एन प्रॉप फॉर द फोटोग्राफर यानी कि एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोग्राफर के लिए सहारे के तौर पर काम करता है इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रॉप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैड टैड का मतलब होता है कम यानी किसी चीज़ का बहुत कम अमाउंट होना उसे हम कहेंगे टैड यानी कि कम मात्रा ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिरानिम इसका होता है स्मॉल अमाउंट यानी कि कम मात्रा एग्जाम्पल इसका है अ टैड ऑफ शुगर इज़ परफेक्ट टू अचीव द स्वीटनेस यानी कि मिठास लाने के लिए थोड़ी सी चीनी काफ़ी है इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैवलियर कैवलियर का मतलब होता है उदासीन यानी कि किसी के साथ लापरवाही से पेश आना उसे हम कहेंगे कैवलियर ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है सिनेिम इसका होता है लैक ऑफ कंसर्न या फिर ऑफ हैंड यानी कि उदासीन या फिर लापरवाही एग्जाम्पल इसका है ही गेव कैवलियर ट्रीटमेंट टू हिज एल्डर्स यानी कि वो अपने बुजुर्गों के साथ लापरवाही से पेश आता है इस कॉन्टेक्सट में हम जो है वो कैवलियर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टिफल स्टिफल का मतलब होता है रोकना बाधा आना या फिर किसी चीज़ का दब जाना उसे हम कहेंगे स्टिफल ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिना इसका होता है प्रिवेंट या फिर हिंडर यानी कि रोकना या फिर बाधा लाना एग्जाम्पल इसका है शी फिल्ड वे डाउन बाय स्टिफिलिंग ऑफ हर ड्रीम्स यानी कि उसे अपने सपनों के दम घुटने से बोझिल महसूस हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टिफल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ तो हमारा अगला वर्ड है एडमोनिशन एडमोनीशन का मतलब होता है सख्त चेतावनी या फिर फटकार और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है सिनोनिम इसका होता है वार्निंग या फिर कॉशन यानी कि चेतावनी एग्जाम्पल इसका है द सुपरवाइजर गेव एडमोनिशन अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कि सुपरवाइज ने कार्यस्थल सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडमोनिशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है ग्रीम ग्रीम का मतलब होता है कठिन और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्जक्टिव है यानी कि विशेषण है सिनोनिम इसका होता है सीरियस या फिर सिवर यानी कि कठिन एग्जाम्पल इसका है द सोल्जर्स फेस्ड अ ग्रीम सिचुएशन यानी कि सोल्जर ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रीम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन और अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू